बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएसटी मंडल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने असिस्टेंट का पेपर शुरू किया था, जो कि आज ही ये पेपर हो चुका है ईटा के जरिए सिविल सेक्रेटरीट पेशावर के लिए। आज यानी 20/3/2022 को पार्ट वन इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पार्ट नंबर सेकंड और आखिर में कंप्लीट पेपर एक ही वीडियो में भी अपलोड करूंगा, जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे। तो चलिए पेज नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेप्स मिशन। 1942 की बात है, जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो क्रिप्स मिशन को इंडिया इसलिए भेज दिया गया ताकि वहां के लोगों का ताउन हासिल करें टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, द आर्या केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, हजरत अबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, इस्लाम ने किस अमल से मना किया है रहबानियत। रहबानियत का मानी है किनारा कशी इख्तियार करना, अकेले बैठकर इबादत करना, लेकिन इस्लाम ने इससे मना किया है। अब तीन क्वेश्चन 21, 22 और 23 वो इस पैराग्राफ से हैं। पैराग्राफ कुछ इस तरह के, मैनी पुअर फार्मर्स हैड बीन कंपेल्ड टू टेक अप इंडिगो कल्टीवेशन व्हेन द ब्रिटिश सेटलर्स वर गिवन द राइट टू परचेज एंड कल्टीवेट लैंड इन इंडिया। मैनी वाइट्स देयर फॉर Either acquired land or advance loan to poor farmers and pressured them to forsake. अब नीचे इस पैराग्राफ को खुद रीड करें। मैं जस्ट आंसर आपको बता देता हूं कि इसके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ रीड करूंगा तो टाइम वेस्ट होगी। 21 नंबर क्वेश्चन, द पुअर फार्मर्स इन बंगाल टुक अप इंडिगो कल्टीवेशन बिकॉज दे वर फोर्स टू डू सो। उसको मजबूर किया गया था, कंपेल किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इधर क्वेश्चन नंबर 22 जो था, ब्रिटिश सेटलर्स बॉट लैंड इन बंगाल इन ऑर्डर टू कल्टीवेट इंडिगो। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 23, इंडिगो एक्सपोर्ट वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश सेटलर्स बिकॉज। यहां पर एक्चुअली ऑप्शन बी रहेगा, दे हैड नो कंपिटिटर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर, द टीचर ऑर्डर कलीम टू लीव द क्लास एंड फॉरबेड हिम टू रिटर्न। मना करना, फॉरबेड मना करना। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स He is a best soldier our school has produced so far. इसमें देखिए कितने गलती फाइंड आउट करें। By all standards, ठीक है, he is, ये गलती है यहां पर, a best teacher, ये आर नहीं होना चाहिए, he is the best teacher, he is the best teacher our school has produced so far. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आएगा इसमें, इज अ बेस्ट सोल्जर, ही इज द बेस्ट सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 26 देखे, खाली जगह है, इज द साइंटिफिक ऑफ रिस्टोरिंग आर एल्टरिंग ह्यूमन टिश्यूज बाय ग्राफ्टिंग। ऑप्शन सी प्लास्टिक सर्जरी। 27 नंबर क्वेश्चन देखे, टिटनस इज अ काइंड ऑफ बेसिलस फाउंड इन रिच साइल आर द टंक ऑफ हॉर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24th October।
ऑप्शन सी करेक्ट है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, अहमद शाह अब्दाली व द जनरल ऑफ नादिर शाह दुरानी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान वॉज डाइट ऑन 1898, ऑप्शन डी है। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट जो था ये तकसीमी बंगाल के खिलाफ बना था कि बंगाल की तकसीम को रीस्टोर कर दे, ऑप्शन बी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वॉज स्टार्टेड इन 2015। और क्वेश्चन नंबर 33, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 60 साल या इससे कुछ थोड़ा ज्यादा उम्र पाई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।